दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ पबजी गन कलेक्शन। तो यहाँ पे हम करेंगे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार सेटों की अनबॉक्सिंग। सारी गने बाहर निकालेंगे और देखेंगे भैया किस तरह की गने हैं ये, कैसे चलती है, क्या क्या फीचर्स हैं इनमें। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनु और मैं यहाँ पे करता रहता हूँ पबजी गेम्स एक्सपेरिमेंट किट और कई तरह के गैजेट्स की अनबॉक्सिंग। तो वीडियो को प्लीज कर दीजिए लाइक और लास्ट तक जरूर देखिए। तो दोस्तों पहला पैकेट ओपन हो चुका है और कुछ यहाँ पे सामान निकला है। तो सबसे पहले यार गन की बात कर लेते हैं। तो इस पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैरबिनर 98K। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे ऊपर यहाँ पे एक बाइनोकुलर जैसा कुछ है, बट एक्चुअली इसे दिखता दिखता कुछ नहीं है, ये निकल जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं एक स्पॉट है, तो यहाँ से हम ये राउंड वाली जो गोलियाँ हैं ये अंदर भर सकते हैं। तो जैसे कुछ इस तरह से यहाँ भर देंगे और जैसे ही मैं इसे पीछे खिसकाऊंगा तो आप देखेंगे गोली जो है आगे की तो जा रही है। गोली इतनी स्पीड से तो नहीं जा रही है जितना मुझे लग रहा था, बट फिलहाल गोली आगे तो जा रही है। इसके साथ में कुछ ये AK-47 वाली बुलेट हमको मिल जाती है। तो इसे हम निकाल के किस तरह से आगे डालना है, आगे आप यहाँ से ऐसे पुश कर दो बस, और उसके बाद ऐसे खींचेंगे तो ये जो बुलेट है ये आगे निकल जाएगी। बट यार मुझे जो है ना स्पीड इतनी नहीं लग रही है, बस बहुत धीरे से जा रही है, बट ये जो है पीछे बहुत तेज़ी से खटाक हो रहा है। तो बाकी अगर बात करें गन की तो ओवरऑल मुझे ठीक ठाक ही लग रही है, मजबूत है काफ़ी और डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, तो इसे रख देते साइड। अब बात करते हैं इस पिस्टल की, जो कि प्लास्टिक की है और बहुत ही नॉर्मल सी है, इतनी कोई खास नहीं लग रही मुझे। कुछ इस तरह से आप खींचेंगे ऐसे शूट करेंगे। यहाँ पे आप ये जो बॉल है अपनी प्लास्टिक वाली, ये जो गोलियाँ का काम करेगी, तो इस तरह से आप यहाँ पर डाल सकते हो। और अरे यहाँ से तो नहीं कर रही है काम ये, तो भैया ये गोली नहीं शायद, हो सकता है यहाँ से सॉफ्ट बुलेट जाती हो। तो ये जो बुलेट है ब्लू कलर की, ओके, ये ब्लू कलर की जो बुलेट है ये इससे चल रही है। तो आप देख रहे होंगे इसकी रेंज जो है 1 मीटर के आसपास ही है सिर्फ, उससे ज़्यादा दूर तक मुझे नहीं लग रहा कि ये गोली जो है जाएगी। ये तो 1 मीटर भी नहीं, तो यार बड़ी ही मतलब बेकार क्वालिटी की लग रही है, 1 मीटर में भी रो रो के जा रही है। तो इसको रख देते साइड। इनकी हमने बात कर ली। एक नाइफ हमको यहाँ पे मिल जाता है प्लास्टिक का, और इसकी भी क्वालिटी ओके ओके ही है। और आपको पता ही है ये पबजी का मेन सिद्धांत, एक छोटा सा हमको ये फ्राइंग पैन दे देते हैं और पता नहीं इसका क्या करना है। फिलहाल ये रख देते साइड में। तो ये सारी चीज़ें रख दो साइड में और दूसरा पैकेट खोल लेते हैं, उसके अंदर हमें क्या मिलता है। तो दोस्तों दूसरा पैकेट भी ओपन हो चुका है। सबसे पहले यार वही वाली बुलेट जो है जो हमें उसके साथ भी मिली थी, यहाँ पे प्लास्टिक की, ये सिद्धांत लगता है इनका, सभी के साथ में दे देते हैं। और ये है गन। तो यार यहाँ पे कुछ लिखा भी नहीं हुआ है कि यार कौन सी गन है ये, तो क्या बोले इसे हम। फिलहाल यहाँ पे इसकी गोलियाँ ये निकलती है क्या कैसे, ओके यहाँ से कुछ इस तरह से आप निकाल सकते हो और सेम उसी तरह से हम आगे लगाएंगे। और कहाँ से खींचना है इसे, पीछे ये, ओके। अबे ये क्या हो रहा है, छोटा पैकेट मतलब बड़ा पैकेट छोटा धमाका, अबे कहाँ फंस गई यार ये क्या है, मतलब यार समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ, इतना बेकार परफॉर्मेंस, मतलब गोली चल भी नहीं रही है सही से। ये डाली मैंने गोली यहाँ से, यहीं से डालते हैं ना भैया, और कोई जगह है क्या डालने की। तो ये डाली गोली, ओके ओके यहाँ फंस गई है, अब गई है थोड़ी सी गोली तेज आवाज में। यहाँ पे पता नहीं कौन सी पत्ती है जो अड़ रही थी। फिलहाल ये क्वालिटी वाइज ये गन मुझे काफ़ी सही लग रही है, और मतलब सब कुछ ठीक ठाक ही है यहाँ पे। बस मुझे क्या है ना, गोली दूर तक जानी चाहिए तब मुझे ज़्यादा मज़ा आता है, ऐसा नहीं कि गोली सही से चले ना और गन आपने बहुत बढ़िया बना दी है। तो इसको फिलहाल रख देते साइड। यहाँ पे जो चक्कू मिलता है ना, नाइफ मिलता है, वो पहले वाले से काफ़ी अच्छा है, और ये मुझे मतलब काफ़ी मस्त लग रहा है। वाओ मज़ा आ गया भाई इसे देख के। और यहाँ पे हमें बुलेट्स भी मिल जाती है कुछ इस टाइप की छोटी वाली। इसको कहाँ से फायर करना है, इसके लिए कोई जगह बचा रखी है क्या, ये भी शायद यहीं लगती है, या यहाँ से इनको फिट करना है, एक बार ट्राई करते हैं, शायद यहीं से इनको आई क्या, ये तो यहीं फंस गई यार। पता नहीं यार क्या सिस्टम है, मतलब ये गोली कहाँ से चलानी है भाई, या मुझे पता नहीं चल रहा है। चलिए फिलहाल इसको रख देते साइड।
और जो अगली पैकेट है उसको ओपन कर लेते हैं। तो अगला पैकेट यहाँ पे ये वाला है, तो जल्दी से इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बड़ी वाली गन की, और भैया क्वालिटी वाइज ना निहायत ही बुरी है बिल्कुल। मतलब यार पहले वाली दो गन तो बहुत अच्छी थी, ये तो मतलब बिल्कुल ही, मतलब मैं ऐसे मोड़ूंगा तो ये तो अभी क्रैक हो जाएगी। चलने का तो इसका क्या ही बताऊँ, कहाँ से चलेगी भैया ये। अच्छा ओके ओके, कुछ इस तरह से एक बार गोली डाल के देख लेते हैं भैया गोली कितनी दूर फेंकती है। यहाँ से जाती है गोली इसके, रुको एक मिनट इसको पहले। ओके स्टार्ट। ओ यार गोली तो इसकी बहुत तेज चल रही है। तो फिलहाल गोली वाले परफॉर्मेंस से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि उन दोनों में ना यार इतनी स्पीड नहीं थी, बट इसमें ना स्पीड काफ़ी है। बट यार ये ना कमज़ोर सी, मतलब बहुत ही लोकल, लोकल तो सभी है बट यार ये डबल लोकल हो गई है, तो इसको रख देते साइड में। यहाँ पे एक पिस्टल भी हमको मिलती है और ये पिस्टल काफ़ी अच्छी लग रही है यार मुझे। अबे यार ये भी वैसे ही है, मतलब कहाँ से इसमें क्या डालना है इसमें भाई, गोली कहाँ है इसकी, ये इसकी थी या पहले वाले की थी, बट फिलहाल जिसकी की भी हो इसमें लग सकती है। तो दोस्तों ये जो है ना यहाँ पे कुछ इस तरह से आप लगा लोगे तो चल रही है भैया चल रही है। और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ से आप ये बुलेट, ये कहाँ से शूट होंगे यार, यहीं से शूट होंगे क्या। ओह अब आया मज़ा थोड़ा सा, ये देखिए 2 3 4 5 ये सिस्टम थोड़ा सा ठीक लगा है इस वाली गन का। बड़ी वाली गन तो बेकार थी, बट ये वाली गन मुझे काफ़ी सही लग रही है। और ये बुलेट आपने देख ही ली है, ये जो है क्या बोले तवा पति, मतलब फ्राइंग पैन तवा जो भी है, ये सेम वैसे ही है जैसा पिछले वाले में था। और इसको भी यार साइड रख देते हैं फिलहाल, एक लास्ट पैकेट है उसको भी खोल लेते हैं। ओह दोस्तों यार ये बहुत ही कमाल है, मुझे नहीं पता ये चलेगी कैसी, पर यार ये पकड़ने में इतना मज़ा आ रहा है ना, वेट भी इस गन में। और ओ माय गॉड दिस इज़ मतलब रियल ब्लास्टर। यहाँ पे हमको ये जो जेल बुलेट दिए गए, एक बार मैं ओपन कर लेता हूँ, तो इन्होंने खुद से ही हमको फुला के दे दिए हैं। कहाँ से डालना है भाई, मुझे यही समझ नहीं आती आधी चीज़ों में, तो मतलब यहीं से डाल देते हैं एक बार। ये तो भर गई है सारी, अबे ये क्या हो गया। दोस्तों एक एक करके डाल के देखते हैं। ओके तो यहाँ पे आप एक एक बुलेट आपको डालनी है, ये जो जल बुलेट हमको मिली हुई है, और ये आप देख रहे होंगे वॉल पे किस तरह से ये जा रही है। पर ओवरऑल यार मैं बात करूँ ना पूरी गनों में या पिस्टल में, ये मुझे सबसे बेहतर लग रही है। पकड़ने में भी परफॉर्मेंस भी लगभग ठीक ठाक ही है, बट इसमें अगर दूसरी गोली लगती तो यार ज़्यादा मज़ा नहीं आता। मतलब ये जेल वाली बुलेट दे दी है इतनी अच्छी गन में, और जो बेकार बेकार थी उनमें आपने धासु धासु बुलेट दे दी। फिलहाल और चीज़ें क्या क्या इसके साथ में, एक सिल्वर नाइफ मिल जाता है, और ये आपने देखा ना तो ये जो है काफ़ी सही चीज़ है यार, मतलब किसी को प्रैंक करना हो उसके लिए बाकी वाले नाइफ से काफ़ी सही है। और ये जो है यहाँ पे तवा भी हमको काफ़ी बड़ा मिल जाता है, उसमें तो यार मतलब बहुत ही छोटे छोटे थे, ये बिल्कुल सही है। इसमें क्या करना है, ये आपको स्टिकर चिपका देना और भैया इसमें शूटिंग करते रहो, निशाने लगाते रहो। और ये क्यों दे दिए, इसका क्या काम है इधर सिर्फ है को। और ये हमें स्टैंड मिला हुआ है तवे को खड़े करने के लिए, इसी को खड़ा करने के लिए होगा ये, ऐसे कुछ करते हैं क्या करते हैं, जो भी है खड़ा, इसे आपको खड़ा करना है और उसमें आपको निशाना मारना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सभी पबजी के पैकेट्स को ओपन किया, गन वन निकाली बाहर और जो भी चीज़ें हैं आपको बताया। बट पर्सनली मैं बताऊँ ना तो यार मुझे ये सारी मतलब लोकल से भी लोकल ब्रांड लग रहा है। मार्केट में यार ऐसा कुछ नहीं आ रहा है कि मतलब जिसे देख के लगे कि हाँ भाई यही पबजी वाली गन है, या फिर मतलब यही है भैया जो कुछ भी है, मज़ा नहीं आ रहा मतलब इसे देख के। फिलहाल मेरे पास ही बहुत टाइम से पड़े थे, और आप लोग लिखते हो कि यार पबजी वाला कलेक्शन, पबजी कलेक्शन, पबजी गन, तो मैंने कहा आज एक बार मैं ना सबको ही खत्म कर डालूँ। फिलहाल यहाँ पर अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करके जाना, और अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ यही नहीं इससे भी डिफरेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहती है। तो जल्दी मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।